खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। क्यों मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस, आइए बताते हैं कुछ खास बातें हिंदी पत्रकारिता दिवस को लेकर। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में आज का दिन यानी 30 मई सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। आज के दिन ही जुगल किशोर शुक्ल ने दुनिया का पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र उद्यंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से शुरू किया था और इस दिन को पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार भारत में हिंदी पत्रकारिता की आधारशिला पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने डाली थी। उद्यंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। यह पत्र हर मंगलवार को प्रकाशित होता था। अगर उस समय की बात करें तो अंग्रेजी, फारसी और बंगला में अनेक समाचार पत्र निकल रहे थे, किंतु हिंदी में एक भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता था। इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्रारंभिक रूप में उद्यंत मार्तंड समाचार पत्र की केवल 500 प्रतियां ही मुद्रित हुई थी, पर इसका प्रकाशन लंबे समय तक नहीं चल सका क्योंकि उस समय कलकत्ता में हिंदी भाषियों की संख्या बहुत कम थी। इसके अलावा इस समाचार पत्र को डाक द्वारा जो भेजे जाने वाला खर्च था वो बहुत ज्यादा था, इसका परिचालन मुश्किल से हो गया। आखिरकार 4 दिसंबर 1826 को इसके प्रकाशन को रोकना पड़ गया। आज के दौर में देखें तो हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को बहुत कम कर दिया है। पहले देश विदेश में हिंदी पत्रकारिता का दबदबा था, लेकिन आज हिंदी भाषा का झंडा हर ओर बुलंद हो रहा है। देश में यदि पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या पर नजर डाली जाए तो आप पाएंगे कि किसी भी भारतीय भाषा की तुलना में पंजीकृत प्रकाशनों की सबसे अधिक संख्या हिंदी में है। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो अंग्रेजी भाषा का नाम आता है। द स्टार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया यानी आरएनआई की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में बताया गया है कि पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या में इस बार 3.58% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक प्रकाशन पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रकाशन पंजीकृत हैं, यानी सूची में यह राज्य उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। आरएनआई की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 114,820 है। इसके अलावा किसी भी भारतीय भाषा में पंजीकृत समाचार पत्र पत्रिकाओं की सबसे अधिक संख्या हिंदी भाषा में है और यह संख्या 46,827 है, जबकि हिंदी के अलावा दूसरे नंबर पर आने वाली अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों की संख्या 14,365 है। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरठ मित्र से नवीद खान की रिपोर्ट। नीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।